सभी को जय सेवा, जय आदिवासी। अलग अलग राज्यों से आया है, अलग अलग संगठनों से काम जुड़ के भी हम सभी ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉयज फेडरेशन झंडा पकड़ के यहाँ तक आया है। जो अभी तक मैं सुना हूँ, हमारा मकसद, हमारा रास्ता बहुत अच्छा है। जो इस रास्ते से मैं भी पिछले बार मुंबई में आया था, मैं भी अलग अलग संगठनों में काम किया हूँ, जो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन मेडिकल एंड हेल्थ में काम किया हूँ, आदिवासी उद्योग संक्षम परिषद बोल के आंध्रा में, यूनाइटेड आंध्रा में भी काम किया हूँ, इससे ज्यादा जनरल ऑर्गेनाइजेशन सोशल संगठन में, सामुदायिक जनजाति सामुदायिक संगठन में ज्यादा काम किया हूँ, क्योंकि ये हमारा आदिवासी एम्प्लॉयज, आदिवासी में जो शिक्षक है, हमारा जिम्मेदारी ये है कि हमारा समुदाय के लिए, हमारा समाज के लिए जो नौकरी सर्विस देते हैं, उससे भी ज्यादा हमारा समुदाय को हम रेस्पॉन्सिबली काम करना भी चाहिए। जो वो देता है वो कम बढ़ना है, वो हमारा जिम्मेदारी है। जो पैसे हम कमा रहे हैं वो पैसे में कुछ हमारे समुदाय के लिए देता है ना, वो हम कम बैक टू अवर सोसाइटी बोलते हैं ना, वो कम बैक करने का तरीका नहीं है, वो हमारा जिम्मेदारी है। क्योंकि इतना सारे समुदाय में कुछ लोग हम पढ़ाई किया है, कुछ लोग उसमें, बहुत कम लोग हम नौकरी में, नौकरी बोले तो सर्विस ही नहीं, ये इकोनॉमिकल सोर्सेस में हम है, जो हमारा दिमाग से, जो हमारा पैसा से भी हमारा समुदाय के लिए काम करना चाहिए। ये मेरे को बहुत अच्छा इस संगठन में मिला है राम, इसलिए इसमें काम करने के लिए मैं आगे बढ़ा हूं। मगर उससे साथ ही साथ आंध्र प्रदेश से अलग अलग संगठन में काम करने वाले आदिवासी टीचर्स एसोसिएशन के साथ काम करने वाले आदिवासी जो ट्राइबल वेलफेयर एम्प्लॉय के साथ ऑर्गेनाइजर को अलग अलग समुदाय प्रतिनिधियों को लेके आया है, हम अभी एक टीम बन गया है वहां ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉयज फेडरेशन का आंध्र प्रदेश कमिटी को निर्माण किया है, आज उसका मंजूर भी दे दिया है, रिकॉग्नाइजेशन भी। तो एक और इस संतोष अच्छा मौका में हम यही बोल रहे हैं कि अगस्त 21 को आंध्र कमिटी का विस्तृत मीटिंग करने के लिए हम तैयार है, जो केंद्र कमिटी ने हमको अनुमति दिया, तो केंद्र कमिटी प्रतिनिधि के साथ जो हमारा कमिटी मेंबर को, बाकी मेंबर को हम अपॉइंटमेंट देने का मौका दिएगा, तो 21 को हम फिर आंध्र प्रदेश में मिलेंगे। सभी राज्यों का प्रतिनिधियों का भी यही हमारा स्वागत है, जरूर आंध्र प्रदेश में विजिट करिए, आंध्र का आदिवासी समुदाय का साथ रिलेशन बढ़ाने के लिए, वहां का स्थिति देखने के लिए जरूर आइए, वहां का हमारा संगठन को बढ़ाने के भी जरूर सभी मिलकर आने के लिए मैं स्वागत आमंत्रित करता हूँ। और एक बात क्या है कि ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉयज फेडरेशन जो फ्यूल सर्टिफिकेट के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं, वो भी नहीं, हम अलग अलग मुद्दे पे भी बात करने के लिए तैयार है बोल के यहाँ का महोदय ने सभी बोल रहे हैं। मगर मेरा सोचना ये है कि हम अलग अलग इश्यूज पे जाना है, मगर हम संगठन को भी वैसा भी वर्क डिवीजन करना है, जो गवर्नमेंट है मगर गवर्नमेंट में भी अलग अलग सेक्शंस है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, वैसा ही हम कल्चर के बारे में काम करने वाले को कल्चरल डिपार्टमेंट, स्टूडेंट विंग के साथ काम करने वाले को स्टूडेंट विंग, और जो राइट केटी काम में काम करने के लिए, वहां का मुद्दा के साथ काम करने के लिए
वहां एक डिपार्टमेंट, महिला के साथ काम करने के लिए महिला का डिपार्टमेंट, ऐसा अलग अलग डिपार्टमेंट वर्क डिविजन से व्यवस्थित रूप होते काम किया तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमारा मुद्दा बहुत ज्यादा है। मैं एक ऐसा शब्द सुना हूं बहुत पिछड़ा, इस देश में इस दुनिया में बहुत पिछड़ा वर्ग में हम है। मैं ये नहीं मानता हूं हम पिछड़ा नहीं है, हम विशेष नागरिक है, हम पिछड़ा नहीं है। पिछड़ा अभी हमको दबा देते जा रहा है, तुम पिछड़ा है तुम पिछड़ा है, ये मानसिकता से हमको इंजेक्शन कर रहा है, सामाजिकता से हमको लेके जा रहा है। हम पिछड़ा नहीं है, हम विशेष नागरिक है। इतना विशेष नागरिक है कि इतने बड़ा दुनिया में बहुत बड़ा बड़ा रिलीजन है, साहित्य है, एक नागरिक को कैसा अच्छा नागरिक बनाना है, इतना बड़ा साहित्य है। मगर आदिवासी समुदाय में कोई भी साहित्य नहीं हमको अच्छा नागरिक बनाने के लिए, खुद हमारा नागरिकता है वो, हमारे लिए विद्वान नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ा साहित्य नहीं है, हमको अच्छा नागरिक बनाने के लिए वो खुद हमारा कल्चर में है, वो इतना विशिष्ट नागरिक है, हम वो नागरिक पूरा पूरा हमारा नागरिकता में है, इसलिए हम पिछड़ा नहीं है। मगर वो असलियत को हम पकड़ के इस समुदाय में हमारा असलियत क्या है, रंग क्या है, ये दिखाने के लिए हम तैयार होना चाहिए। इसके लिए हमारा एजुकेशन को, हमारा पैसा को, हमारा दिमाग को, हमारा मन तन धन से काम किया तो हम पिछड़ा नहीं हो पाता है। अब एक बात क्या है कि मैं पहले भी बोल रहा हूं, मैं अलग अलग संगठना से जुड़ा हूं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जुड़ा हूं, गोंडवाना गोंड महासभा से जुड़ा हूं, आदिवासी महासभा से जुड़ा हूं, मगर मैं बहुत ध्यान देता हूं कल्चर और लैंग्वेज के ऊपर, क्योंकि जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारा नागरिकता है, जो हमारा रिजर्वेशन है, ये पूरा हमारा कल्चर के बारे में ही आया है। जो हम जो कल्चर को छोड़ दिया है, हम नॉन ट्राइबल हो जाता है, नॉन ट्राइबल होने से हमको हमको खो जाता है। हमको हम खो जाने से क्या होता है, जब हम ट्राइबल के लिए, आदिवासी के लिए, हमारे कल्चर के लिए, हमारे भाषा के लिए, हमारे रिजर्वेशन के लिए बात करने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं ज्यादा जान कल्चर के बारे में, भाषा के बारे में देता हूं। इसलिए बहुत अलग अलग आदिवासी सामुदायिक संगठना से मिलकर काम करने के लिए बहुत संतोष हूं। मगर जो काम एम्प्लॉयज एम्प्लॉयमेंट के रिजर्वेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय का प्रोटेक्शन के लिए जो काम कर रहा है ज्यादा, मगर हम हमारा सामाजिक समस्या के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रहे, वो ध्यान देने के लिए कुछ लोग बात तो कर रहे हैं, उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए हम कल्चर के बारे में, भाषा के बारे में, हमारा आदिवासी आर एंड आदिवासी एम्प्लॉयज फेडरेशन में जरूर कुछ व्यवस्था बनाइए, हमारा अस्तित्व को बचाने का जिम्मेदारी हमारा हम एम्प्लॉय भी खुद लेने के लिए तैयार होने के लिए हम तैयार व्यवस्था करना चाहिए। इस मौके में मैं ये बोल रहा हूं, गोंडी भाषा का स्टैंडर्डाइजेशन 2014 में शुरू हुआ है, 2011 तक कनाडा यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप, दो वर्कशॉप हुआ है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक यूनिवर्सिटी में एक वर्कशॉप हुआ है, अदिलाबाद आईटीडी ट्राइबल वेलफेयर में, भद्राचलम ट्राइबल वेलफेयर के साथ, महाराष्ट्र में चंद्रपुर में भी वर्कशॉप करके एक 3000 वर्ड्स के साथ एक स्टैंडर्डाइजेशन, लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन, अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीका गोंडी भाषा है, इसमें महाराष्ट्र में 3 से 4 तरीका गोंडी भाषा मिला है, छत्तीसगढ़ में 3 तरीका गोंडी भाषा मिला है, मध्य प्रदेश में 3 तरीका गोंडी भाषा मिला है। ये सबको मिलकर एक स्टैंडर्डाइजेशन करने का जिम्मेदारी लिया है
क्योंकि हमारे भाषा को रिकॉग्नाइजेशन है, एट शेड्यूल के अनुसार हमारे भाषा को रिकॉग्नाइजेशन है। ये भाषा को रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा तो भाषा को नहीं हमारा कम्युनिटी को भी एक आइडेंटिटी रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, जो हमारा गोंडवाना हासिल करने के लिए भी ये स्टैंडर्डाइजेशन, क्योंकि इस देश में भाषा के अनुसार ही कुछ राज्य बना है। हमारा भाषा के, हमारा कल्चर के, हमारा समुदाय के अस्तित्व के अनुसार हम गोंडवाना हासिल करना है तो जरूर हमारा भाषा का रिकॉग्नाइजेशन जरूर मिलना है। उस मुद्दा में हम आगे जा रहे हैं, अभी एक अच्छा परिणाम पे हम जा रहे हैं। इंटरनेशनली गोंडी भाषा सीखने के लिए एक लर्निंग कोर्स अमेरिका के साथ 7000.org के साथ इंटरनेशनली गोंडी भाषा सीखने के लिए लर्निंग कोर्स बनाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए कुछ कमियां है हमारे पास। जो कमियां क्या है कि इंटरनेशनली हमारा भाषा को लर्निंग कोर्स बनाना है तो टेक्निकल इश्यूज, टेक्नीशियंस का इश्यू ज्यादा है, क्योंकि ये ऑनलाइन में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने के लिए हमको कम से कम स्मार्टफोन चाहिए, लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए, इंटरनेट चाहिए, उसमें काम करने के लिए टेक्नीशियन भी चाहिए। वो गोंडो समुदाय को होना चाहिए, वो गोंडो भाषा बोलबाली करने वाले भी चाहिए। इतना कमजोरी में हम काम करते जा रहे हैं, मगर हमारे लिए कंप्यूटर, इंटरनेट की सुविधा और जो काम करने वाले टेक्निकल पर्सन भी हमको चाहिए हर राज्य में, विशेष में मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, आंध्र तेलंगाना में तो खुद हम करने के लिए तैयार है, ओडिशा में भी ये कमजोरी है। मैं ये आशा कर रहा हूँ हमारे कमिटी के साथ अभी अलीगढ़ आदिवासी फेडरेशन के बीच में हम ये डाल रहा हूँ कि विनती हमारे लिए गोंडी भाषा स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, गोंडी भाषा के इंटरनेशनल लर्निंग कोर्स तैयार करने के लिए जो हमारे कमजोरी है वो कमजोरी को खत्म करने के लिए आपका सपोर्ट हमको जरूर चाहिए, ये हमारा विनती है। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से हमारा ये क्या है कि एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन में जो 100% रिजर्वेशन था वो खत्म हो गया है 2000 में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, जजमेंट के अनुसार, मगर ये केवल 20 साल में वहां हमने एंजॉय किया था, बाकी राज्यों के साथ, बाकी समाज के साथ ये एंजॉयमेंट हासिल करने में हम पीछे रह गए हैं, क्योंकि भाषा के और हमारा सामाजिक रिलेशन में हम पिछड़ा हुआ था, इसलिए बाकी राज्यों के साथ हम मिलकर काम नहीं कर पाया है, अकेले भी एंजॉय किया है, अकेले ही हम आ गया है। मगर ये आदिवासी का रिजर्वेशन आदिवासी एरिया में अभी क्या हुआ कि अलग अलग राज्य में अलग अलग रिजर्वेशन परसेंटेज है, उस पूरा ऑल इंडिया में आदिवासी एम्प्लॉयमेंट किया, ये आदिवासी एरिया में एम्प्लॉयमेंट में कितना रिजर्वेशन हम हासिल करना है, इसके लिए एक हम सोचना भी रखना है। विशेष में जो 3GO को 3GO का केस सुप्रीम कोर्ट में अभी रिविजन पिटीशन है, रिविजन में है, उसके लिए आंध्र और तेलंगाना का कमिटी ये बोल रहे हैं कि आलंगे आदिवासी एम्प्लॉयज फेडरेशन का सपोर्ट हमको चाहिए। और एक बात क्या है कि ज्यादा से ज्यादा हर राज्य में हम बोगस सर्टिफिकेट के बारे में इतना सोच रहा है, मगर क्रिएटिव ट्रेबल के ऊपर उतना ज्यादा हम नहीं सोच रहे, क्योंकि हर राज्य में हर साल हर सरकार नया नया अदर कम्युनिटीज को, अदर कैस्ट वालों को एसटी बनाने में माहिर है। आंध्र में चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है, तेलंगाना में चल रहा है, अलग अलग राज्य में बाहर के लोगों को एसटी बेनिफिट देने के लिए, एसटी रिजर्वेशन में लेके आने के लिए सरकार बहुत ज्यादा कोशिशें कर रहा है, मगर उसको रोकने के लिए भी हम तैयार होने चाहिए। और विशेष के लिए इंडिया में देखेगा तो बहुत बड़ा जनजाति बिल को मानते हैं, बिल इतना एरिया में नहीं है, गोंड समुदाय इतना एरिया में है,
गोंड समुदाय लगभग 15 राज्यों में है, मगर हम अलग अलग कम्युनिटी नाम पे हमारे गिनती चल रहे हैं। कहां गोंडी बोलते हैं, कहां कोया बोलते हैं, कहां कोयतर बोलते हैं, कहां मांडिया बोलते हैं, ऐसा हमारा कम्युनिटी को एक नाम पे नहीं जान रहे, अलग अलग नाम पे जान रहे, अलग अलग गिनती कर रहे। इसीलिए बिल से भी हम ज्यादा है, बिल का एरिया से भी हम ज्यादा विस्तार एरिया में हम है, मगर गिनती में हम कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हम अलग अलग कम्युनिटी के नाम पे हमको देख रहे, गवर्नमेंट देख रहे। इसलिए हमारा जो भाषा का स्टैंडर्डाइजेशन होता है वो भाषा के लिए भी सीमित नहीं होना चाहिए, ये पूरा हमारा कम्युनिटी का, पूरा हमारा कल्चर का भी स्टैंडर्डाइजेशन होने से हमारा गिनती बढ़ती है, हमारा ताकत बढ़ती है, हमारा पॉलिटिकल, हमारे ऊपर बाहरी लोगों का, पॉलिटिशियंस का पॉलिटिकल व्यू भी अलग होते जाता है। इसीलिए ये स्टैंडर्डाइजेशन भाषा के लिए ही नहीं, कम्युनिटी के ऊपर भी आना चाहिए। और क्या है कि हम अलग अलग इश्यूज लेके जा रहे हैं ना, अलग अलग इश्यू लेके जाना है तो सभी मिलकर ऐसा बात ही नहीं करना है, कुछ इश्यूज पकड़ के हम उसके लिए अवेयरनेस कैंप्स भी, कुछ खुद हमारा ऑर्गेनाइजर को भी उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होगा, इंफॉर्मेशन नहीं होगा, पहले हमारे बीच में ही हमको अवेयरनेस चाहिए। कुछ यार के बारे में होगा, कुछ इश्यूज के बारे में होगा, कुछ सब्जेक्ट के बारे में होगा, हम अवेयरनेस सदर कैंप्स भी जरूर लेना चाहिए, उसके लिए हम तैयार होना चाहिए। ये हमारा आंध्र और तेलंगाना के साथ और नेशनल लेवल में गोंडी समुदाय का कल्चर का भाषा के तरफ से मेरा निवेदन है, जरूर ऑल इंडिया आदिवासी फेडरेशन इसके बारे में मन बन लगाकर काम करने के तैयार होगा, शायद मैं आशा कर रहा हूँ। सभी को ये मेरे को मौका दिया है, सभी को धन्यवाद, जय सेवा, सेवा जवाब, थैंक यू। थैंक यू नेहरू जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही आज।